अब परिणाम सामने आ गए हैं, तो जैसी करनी वैसी बनी। जनता ने पुनः विश्वास जताया है, कांग्रेस की सरकार जो है पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में बनने जा रही है। इसके लिए प्रदेश की जनता का और धर्मशाला की जनता का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप देखिए, चुने हुए विधायक और जो हमारी पार्टी हाईकमान है वो करेगी, जिसको भी करेगी उसके साथ सभी लोग मजबूती के साथ चलेंगे। प्रदेश के लिए जो 5 वर्ष का कार्यकाल के लिए जनादेश मिला है उसके लिए सबको मिलकर के काम करना है। सर, लगता नहीं कि कांगड़ा का हक बनता है बड़े पद के लिए? नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा, देखिए एक प्रदेश है, अगर ऐसे जिलों में बांटने लगेंगे तो वो कोई अच्छा संदेश नहीं है। जो हाईकमान निर्णय करेगी, पार्टी हमारी है, तो जो फैसला होगा उसी के ऊपर जो है वो सब लोग चलेंगे। बड़े वादे कांग्रेस की ओर से चुनावों में किए गए हैं, किस तरह इन वादों पर जो है कांग्रेस पार्टी या सरकार जो है आगे बढ़ेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान जो भी जनता के साथ वादे किए हैं तो उनको पूरा करेगी, और जिस तरह से एक रोड मैप तय किया है उसके ऊपर काम करेगी। सर, क्या धर्मशाला को लेकर क्या आपका रहने वाला है? सरकार भी आपकी है और आप चुनाव जीते हैं, पहले भी बहुत सारे कार्य किए, क्या इस पर क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं? देखिए, अभी तो सरकार बनेगी, काफ़ी चीज़ें हैं जिनको पूरा करना है, कुछ अधर में छूटी हुई हैं, कुछ नई योजनाएं भी लाएंगे। धर्मशाला जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र है, प्रदेश का दूसरी राजधानी है, तो उस तरह से ही इसको विकसित करेंगे। अच्छा, विकास को लेकर भी दावे पहले जो होते रहे हैं, इस बार क्या कुछ धरातल पे उतरेगा? देखिए, पर्यटन को विशेष प्राथमिकता जो है वो इन 5 वर्षों में दी जाएगी। सुधीर जी, ओपीएस के मुद्दे को बहाल किया जाएगा? ओपीएस को लेकर के कांग्रेस वचनबद्ध है, पहली कैबिनेट जो होगी उसमें उसके ऊपर निर्णय किया जाएगा। दूसरी राजधानी का स्टेटस कांग्रेस कार्यकाल में मिला था धर्मशाला को, अब उसको लेकर के किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या बहाल हो पाए? तो नोटिफाइड है, वो नोटिफिकेशन रद्द ही नहीं हुई, तो उसके ऊपर आगे काम करेंगे। विवाद बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उनके लिए कहना चाहेंगे? विवाद बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, उनके क्या बदलेंगे? शुरू से ही कहता था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और रीति रिवाज जो है और परंपराएं जो है ये तो हमारे पुरखों के समय से चली आ रही है, इसको कौन बदलेगा, और वही हुआ है। दीर जी, कुछ लोगों ने भीतरी घात भी किया था, वीडियो भी वायरल हुई थी, क्या के लिए वो तो अब परिणाम सामने आ गए हैं, तो जैसी करनी वैसी बनी। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।